खड़े हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे, आपके चरणों में बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते हैं, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? नहीं, टीवी में दिखाई देते हैं आप। हाँ। कथा सुनते करो तो सुबह के टाइम पर। अच्छा। और मगर मेरी परियों में दर्द बहुत हो रहा है। क्यों पता नहीं लग रहा, मैं बैठ नहीं मिलता। मैं गुरु जी इतना हमारी भी सेवा करो, बुढ़े आदमी को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रहे हैं। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, अकेले शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, घर वालों कोई साथ नहीं दे रहे, अकेले। पत्नी पत्नी है आपकी? हाँ, सब को पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं बूझ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? वो शामिल में आए, एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था, वो खत्म हो गया। अच्छा। अरे भगवान, देखो जैसे 4-5 बच्चे में बनी, ऐसे बुढ़ावे में अभी बनाए रखो। अब तो कतई नहीं बनती है, खान पी भी नहीं, खाना पर होटल से डालते हैं। चुप रहा करो ना आप ज्यादा बोलते होंगे तो पत्नी। महाराज जी बोल लगा लेते शाम को। क्या दारू? तुम दारू पीते हो? आप भी तो लेते हो, मुझे मेरे दिल। तभी तो पत्नी खाना नहीं दे रही है। अब तुम दारू पी के जाओगे तो उल्टा सीधा बड़बड़ाओगे। अब मजबूरी पीते हैं, पिएंगे नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। और परियों को कोई बूझ नहीं रही, इसलिए पी रही है। नहीं तो पत्नी की तो कोई गलती नहीं है। पत्नी तो बहुत, पत्नी रोटी नहीं दे रही है। नहीं दे रही है? अरे तो तुम सारा पैसा शराब में गवाओगे तो पत्नी रोटी कैसे देगी? नहीं, खेती बेती हमारे पास सब चीज है। अरे तो खेती है तो कहाँ बेच के शराब पी लोगे? नहीं, अब तो गम में पीते है, उसे थोड़ी पिए। वो प्यार से बोले तो नहीं पिए। अच्छा, वो प्यार से बोले तो नहीं पियोगे? ना कतई नहीं पिए। तो वो प्यार नहीं करती आपसे, सिर्फ पीते हो? दूर। अच्छा, मतलब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। इसीलिए पीते हैं, गम भुलाने के लिए पीते हैं। आप तो सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो कुछ गम कम हुआ? शराब पीने से गम कुछ कम हुआ कि बढ़ा? चुप रहते, अपने बोलते जानते नहीं है। चुप रहते हो? हाँ, कतई। तो शराब पीने से तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ गई प्रभु, इसलिए तो शराब ना पियो। तो अब किसी बोलते नहीं ज्यादा, मगर रोटी भी नहीं। परियों ने बता दो गुरु जी, ये इतना बहुत बड़ी धन्यवाद मानेंगे। आप शराब छोड़ दो, फिर आपकी पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी करेगी। अच्छा, तो आप शराब छोड़ दोगे? नहीं, शराब तो कम पीते, ज्यादा नहीं पीते, जो गलियों में लोटत फिर। नहीं तो आप बिल्कुल मत पीना। अच्छा, शराब छोड़ दोगे तो पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी। अरे वो तो बहुत, शराब छोड़े या ना छोड़े, बोलो, कभी नहीं दिया। नहीं, अब देगी ना, हम बोल रहे हैं। शराब छोड़ दोगे? शराब तो महाराज जी छोड़े, उसे पता भी नहीं लगता पीते कि नहीं पीते, तब भी नहीं बोलती है। अच्छा, अगर उसे पता भी नहीं लगता जो पी के आते नहीं, नहीं। आप देखो, आप शराब के नशे में ऐसा बोलते हो, उसे पता नहीं लगता, वो सब जानती है कि आप पी के आए हो। नहीं, हम शराबी तो यही सोचता है ना कि थोड़ी कोई जान रहा है। नहीं, हम इस रूप से पीते नहीं है। अब नहीं पियोगे पर शराब? अच्छा, कब से नहीं पियोगे? अब महाराज जी ऐसा है कि मान तो जाएंगे, मगर भीतर तो मन नहीं मानता है। उसके लिए दिमाग तो चलता है, चोर चोरी करता मगर मानता नहीं, करता है उसे दिखाता है, मान नहीं मानता तो है। प्रभु आप इतने समझदार हो तो शराब छोड़ दो। महाराज 60 साल के हुए, समझदार तो बहुत है। हाँ। जानते समय मानते हो कोई नहीं है। अरे तुम काहे नहीं मानते, शराब छोड़ दो। शराब पीना आपके लिए सही है? पीना का बोलते गम के लिए पीते है और कुछ ही बात के लिए नहीं। शाम को अपने चुप्पा पी ले, लेट रहते जाए तो मत पियो ना, इससे क्या मिल रहा है, मत पियो। अब और पैसे पर पेंशन भी आती है, गुजर उजर हो रही है, ऐसे गुजर हो रही। पैसे है। आए तो दीन दुखी की सेवा कर दो, समाज की सेवा, भूखे को रोटी दे दो, शराब पी के काहे पैसे। हम महाराज जी खुद भूखे मारे मारे पहले रोटी हमको भी नहीं मिलता, ये कितने दे दें। अब तुम पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होगे ना। अब पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होना पड़ेगा ना। लक्ष्मी जो है वो माँ है, तो इतनी बड़ी लक्ष्मी नहीं है। सुनो, हो रही है, आप सुनो, लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं, खत्म हो गई, चली गई। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई, तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं, अभी नहीं पिए। शाम को, अभी शाम ही तो है, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, एक पौवा, एक पौवा खाली बताओ। अरे जाना कहते पीने वाले उधर पाओ पर हो भाई। ये तो सब तरह के आते हैं। सुनो, लक्ष्मी माता है और जब आप शराब खरीदते हो पैसे से तो वो लक्ष्मी नाराज ना होती होंगी कि भाई तुम हमें गलत जगह दे रहे हो?
अब ये परियों की बता दो महाराज जी, अपने बहुत दिक्कत है, बैठ नहीं मिल रहा। अब वो ठीक हो जाएगा सब, शराब छोड़ दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, राधे राधे। तो शराब नहीं पियोगे? शराब तो महाराज जी मन तो चल रहा है, ऊपर से नहीं मान पाएंगे, हो सकता थोड़ी दें तो छोड़ दो तो अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे, छोड़ देना आप शराब। आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद आशीर्वाद है, खुश रहो, छोड़ देना।